हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए अपने कहानी का पिटारा लेकर के आई हूँ। जी हाँ, कहानी का पिटारा जो है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से मैं अपने कहानी के पिटारे में कोई भी स्टोरी लेकर नहीं आ रही थी, ड्यू टू मेनी रीजंस। और कुछ और कंटेंट्स ज़्यादा हो गए थे मेरे पास, तो मुझे लगा कि पहले उसे निकाल देती हूँ। लेकिन एक दो हफ्ते पहले मेरी बच्ची ने, शिवन्या ने मुझसे पूछा कि मम्मा, पहले आप कहानी का पिटारा सुनाती थी, जो स्टोरी टेलिंग करती थी, वो अब आप क्यों नहीं करती। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस तरीके की कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता होगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कहानियां तो हमेशा मेरे पास रहती हैं, तो क्यों ना वापस से अपने कहानी के पिटारे को शुरू किया जाए। तो उसी क्रम में आज अपनी कहानी के पिटारे में से एक कहानी निकाल कर लाई हूं आप छोटे छोटे बच्चों के लिए। और ये कहानी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी है, यानी कि आपको कोई मॉरल मैसेज देकर भी जाती है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और आज अपनी कहानी के पिटारे में से जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं, उसका नाम है एकता में बल। चलिए आज की अपनी कहानी को शुरू किया जाए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर बहुत सारे कबूतर रहते थे। वो साथ में हंसते, बोलते, घूमते, दाना चुगने जाया करते थे। एक बार एक शिकारी ने इन सारे कबूतरों को एक साथ एक पेड़ पर देख लिया, तो उसे लगा कि अरे, ये तो कितने सारे कबूतर हैं, क्यों ना इन सारे कबूतरों के लिए एक जाल बिछाया जाए और इन सारे कबूतरों को एक साथ पकड़ लिया जाए। तो उसने उसके लिए एक तरकीब सोची। उसने क्या किया कि जिस पेड़ पर कबूतर बैठा करते थे, उसी पेड़ के नीचे उसने बहुत सारे दाने डाल दिए और उन दानों के ऊपर उसने जाल बिछा दी। और जब कबूतरों ने उन पड़े हुए दानों को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अरे देखो, नीचे कितने सारे दाने पड़े हैं, चलो हम सारे जाकर के उस दाने को चुगते हैं। सारे कबूतर खुश हो जाते हैं और पेड़ से उतरकर नीचे जमीन पर आ जाते हैं उस दानों को चुगने के लिए। दाने चुगते चुगते उन्हें यह महसूस होता है कि उनके पंजे जो हैं वो तो फंस चुके हैं, लेकिन किसमें फंसे हैं? तब वो नीचे देखते हैं कि उनके पंजे तो जाल में फंस गए हैं। अब उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं। लेकिन वो करे तो करे क्या, क्योंकि जितनी कोशिश वो करते थे उनके पंजे उतने ही ज्यादा और उलझ जाते थे। वो बड़े परेशान हो गए, डरने लगे। किससे? शिकारी से, कि अब तो शिकारी यहां आएगा और हमें लेकर के चला जाएगा। वो परेशान कबूतर वहां किसी के इंतजार की राह देखने लगे। तभी उन कबूतरों में से उनका सरदार, जो कि वहां फंसा हुआ नहीं था, वो नीचे उतरकर आता है और उनसे कहता है कि धैर्य से काम लो, एक एक कर कोशिश न करो, क्योंकि ये जाल किसी एक के बस का नहीं है। तुम सारे ये करो कि एक साथ मेहनत करो और जोर लगाकर अपने पंख फड़फड़ाओ और इस जाल को लेकर के यहां से उड़ जाओ। सारे कबूतर अपने सरदार की बात मानते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, बेचारे नाकामयाब होते हैं, दूसरी बार कोशिश करते हैं, फिर नाकामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो थककर हारते नहीं है, वो तीसरी बार फिर प्रयास करते हैं और इस बार वो सारे कबूतर जाल लेकर उड़ जाते हैं। जैसे ही शिकारी ये देखता है, वो उन कबूतरों के पीछे भागता है। लेकिन तब तक वो कबूतर उस जाल को लेकर बहुत ऊंचे उड़ गए होते हैं। बेचारा शिकारी थककर वहीं बैठ जाता है।
और वो कबूतर उस जाल को लेकर के एक खेत में जाते हैं जहां कबूतरों के सरदार का दोस्त यानी कि एक चूहा रहता है। वो चूहा वहां आता है, सरदार उससे बातचीत करता है कि किस तरीके से वो उनके दोस्तों की मदद कर सकता है। चूहा तुरंत से उसकी बात मान जाता है और सारे जाल को अपने दांत से कुतर लेता है और सारे कबूतर फ्री हो जाते हैं और उड़ जाते हैं नीले आसमान में। तो देखा बच्चों, एकता में कितना बल होता है। अगर आप किसी काम को ग्रुप में एकजुट होकर करें तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरी, कभी भी एक या दो बार की कोशिश से हार नहीं मानना चाहिए। हमें जो चीज चाहिए, हमें वो लक्ष्य हमेशा याद रखना चाहिए और उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। क्या हुआ अगर वो काम एक बार, दो बार, तीन बार ना हुआ तो चौथी बार तो जरूर हो जाएगा। तो होप करती हूँ कि आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी मेरी स्टोरी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, बाय।